ललन टॉप की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ है, आप ललन टॉप देख रहे हैं। हमारे देश के सबसे चर्चित व्यक्ति कौन है? देश के सबसे लोकप्रिय नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो उनको लेकर सही गलत दावों की भी भरमार रहती है। आजकल एक दावा चल रहा है कि प्रधानमंत्री रामायण देखते हुए रोने लगे। पूरा दावा देखते हैं, फिर उसकी सच्चाई जांचते हैं। इस तरह की तस्वीरें वायरल हो रही हैं। प्रधानमंत्री अपने दफ्तर में हैं, उत्तर रामायण देख रहे हैं और अश्रु बहा रहे हैं। देखिए क्या दावा है, स्पष्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने खुद भी रामायण देखी, हो गए भावुक। श्री राम, इस तरीके के ये देखिए, ये मैसेज चल रहे हैं। और इस मैसेज के अलावा क्या लिखा है, अंग्रेज़ी में भी इसी तरह का दावा वायरल हो रहा है, जिसमें यही वीडियो दिखाया जा रहा है। हमने इसकी पड़ताल शुरू की। सबसे पहले हमें मिला ANI का एक ट्वीट, आज तक की रिपोर्ट मिली जिसमें ANI का ट्वीट था, जिसमें प्रधानमंत्री उसी मुद्रा में खड़े हैं जिस मुद्रा में वीडियो में दिखाए जा रहे हैं, प्रधानमंत्री दफ्तर में, और ये सामने टीवी है। लेकिन टीवी पे क्या चल रहा है ये देखिए। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वॉच द लाइव टेलीकास्ट ऑफ चंद्रयान 2 लॉन्च बाय इसरो एट 2:43 PM टुडे। अर्लियर विजुअल्स, ये जुलाई 22, 2019 की तस्वीर है, जिसमें प्रधानमंत्री खड़े हैं और टीवी सेट पे चंद्रयान 2 की लॉन्चिंग का विजुअल नजर आ रहा है, जिसे वो देख रहे हैं। और ANI ने फिर ये तस्वीर है, ये वीडियो रिलीज की है, 43 सेकेंड का ये वीडियो है। अब लोगों ने क्या किया कि ये जो टीवी स्क्रीन है नजर आ रही है, इस टीवी स्क्रीन पर चंद्रयान के विजुअल की जगह उत्तर रामायण के प्रसंग को लगा दिया, एडिटिंग कर दी और फिर इसको अपलोड कर दिया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर रामायण देखते हुए नहीं रोए। कोई व्यक्ति रोए न रोए, ये बहुत ही व्यक्तिगत मसला होता है। यदि सार्वजनिक जगहों पर रो रहा है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। रोना कई लोगों को कमज़ोरी की निशानी लगती है, ये कमज़ोरी की निशानी नहीं है, ये आपके भीतर की भावनाओं की और करुणा की निशानी है। लेकिन झूठ फैलाना ये मूर्खता की भी निशानी है, और हमारे बुंदेली लहजे में कहें तो विशुद्ध पाजीपना है। अगर आपके पास भी कोई खबर, कोई वीडियो, कोई पोस्ट पहुंचती है जिसकी सत्यता संदिग्ध लग रही है तो भेजिए पड़ताल के लिए। हमारा पता है padtalmail@gmail.com। कविता कहानी के डेली डोज के लिए इंस्टाग्राम पर फॉलो करें हमारा हैंडल लटक.ललनटॉप। अब सुकून के लिए भटक मत, लटक।